डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साजो की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने ग्लूकोज का मैनोज में इंटरकन्वर्जन और एपिमराइजेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, जो ग्लूकोज की हम ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये जो ग्लूकोज की विवृत खुली जो श्रृंखला होती है, इस श्रृंखला के आधार पर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को हम इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं समझा सकते। ये जो ग्लूकोज की सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर दी गई थी C6H12O6, इस संरचना के आधार पर इसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे फर्स्ट है यह शिप रिएजेंट का शिप जो अभिकर्मक है, शिप अभिकर्मक का गुलाबी रंग वापिस नहीं देता। यानी जो सीफ रिएजेंट होते हैं, उस सीफ रिएजेंट का जो पिंक कलर होता है, वो ये जो ओपन चेन ग्लूकोज की संरचना होती है ये पुनः नहीं देता। दूसरा इसका गुण है, विशेष गुण, कि यह सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में अभिक्रिया करके सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके योगो उत्पाद नहीं बना। यानी इस ओपन चेन स्ट्रक्चर की अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड NHSO3 के साथ में करवाते हैं, तो इससे एडक्ट प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है। तीसरा, अल्फा ग्लूकोज तथा बीटा ग्लूकोज दो समावेवी इस संरचना से प्राप्त नहीं होते हैं। ग्लूकोज के दो आइसोमर्स, एक डी ग्लूकोज होता है, एक एल ग्लूकोज होता है। इसके अलावा अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज जो आइसोमर्स है, वो इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के आधार पर पॉसिबल नहीं होता है। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टीज है कि यह मेथेनॉल CH3 OH तथा HCl के साथ गर्म करने पर
मेथेनॉल और जो HCl है उसके साथ में गर्म करने पर मेथिल ग्लूकोसाइड नहीं बनाता एंड इस ओपन चेन स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज है उसकी अभिक्रिया मेथेनॉल और HCl के साथ में करवाते हैं तो इससे अभिक्रिया करके मेथिल ग्लूकोसाइड है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। फिफ्थ इसकी जो प्रॉपर्टीज है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सिन नहीं बनाता। इसका जो डेरिवेटिव कंपाउंड ग्लूकोज पेंटा एसिटेट है उसकी जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सिन का फॉर्मेशन नहीं करता है। और सिक्स जो प्रॉपर्टीज है इसकी यह परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन म्यूटा रोटेशन जो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होता है म्यूटा रोटेशन नहीं दर्शाता। तो ये जो पांच छह प्रॉपर्टीज है जो कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है इस संरचना के आधार पर इन विशिष्ट गुणों को हम नहीं समझा सकते, इसलिए फिशर ने इस ग्लूकोज की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दी गई जिसको हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज कहा जाता है। ये एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि ऐसी कौन सी विशिष्ट प्रॉपर्टी या विशिष्ट गुण है जो कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम नहीं समझा सकते। तो इसमें यह सिर्फ रिएजेंट का गुलाबी रंग वापस नहीं देता, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो सिर्फ रिएजेंट का गुलाबी रंग है वो वापस से नहीं देता है। ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके एडक्ट प्रोडक्ट यानी युगोत्पाद नहीं बनाता है। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज दो आइसोमर्स जो होते हैं समावेवी होते हैं जो इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से पॉसिबल नहीं है। मेथेनॉल और HCl के साथ जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये मेथिल ग्लूकोसाइड नहीं बनाता है और इसका जो डेरिवेटिव कंपाउंड ग्लूकोज पेंटा एसिटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सिन नहीं देता है और म्यूटा रोटेशन यानी जो परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन है वो इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं दर्शा सकते। तो ये जो पांच छह विशिष्ट गुण है जिसको हम आगे ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के आधार पर इन सभी प्रॉपर्टीज का जो व्याख्या है वो की जा सकती है। तो अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखिए फिशर ने सबसे पहले ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर दी थी, तो फिशर के अनुसार जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है जिसमें C1 कार्बन जो कि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ था CHO और इसके अलावा एक प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप होता है और बाकी वाले कार्बन पर द्वितीयक एल्कोहलिक ग्रुप
उपस्थित होता है। ये जो ग्लूकोज की ओपन चैन स्ट्रक्चर है, इस ओपन चैन स्ट्रक्चर के अंदर फिशर ने देखा कि जो CHO समूह है फर्स्ट कार्बन और वो फिफ्थ कार्बन के जो सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है उसके साथ में इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दर्शाता है, यानी कि इसमें जो C1 कार्बन परमाणु है वो C5 के साथ में यहां से हाइड्रोजन परमाणु है वो इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, तथा ये कार्बन परमाणु है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है। इस प्रकार से CH, OH, CH, CH, OH, CH, 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 CH,
वन कार्बन है, वो सी वन कार्बन जो सी फाइव कार्बन होता है उसके साथ में ऑक्सीजन के थ्रू इस प्रकार से जुड़ जाता है। तो ये जो सी वन कार्बन है वो सी फाइव कार्बन के साथ में जुड़ करके एक साइक्लिक संरचना बनाता है जिसे हेमी एसिटेल कहा जाता है। इस संरचना को हम हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब इस हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर के अंदर अगर सी वन कार्बन परमाणु पर उपस्थित OH समूह राइट साइड के अंदर है तो इसको हम अल्फा डी ग्लूकोज तथा सी वन कार्बन पर उपस्थित OH समूह लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट है तो इस संरचना को हम बीटा डी ग्लूकोज कहा जाता है। इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं कि सी वन कार्बन पर H और OH की स्थिति में भिन्नता होती है। इस सी वन कार्बन में एच और OH की स्थिति में भिन्नता के कारण दो आइसोमर दो समावयवी प्राप्त होते हैं जिसे अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा समावयवी बीटा डी ग्लूकोज कहा जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के आधार पर जो ग्लूकोज होते हैं उसके दो समावयवी होते हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। यहां सी वन कार्बन पर उपस्थित एच और OH की स्थिति में भिन्नता होती है। OH समूह राइट साइड में है तो इसको अल्फा डी ग्लूकोज कहा जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 143 डिग्री सेंटीग्रेड तथा बीटा डी ग्लूकोज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक होता है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो सी वन कार्बन है कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि एनोमेरिक कार्बन किससे कहा जाता है, तो ग्लूकोज की जो हैवी एसिटेल स्ट्रक्चर होती है उस हैवी एसिटेल स्ट्रक्चर में सी वन कार्बन पर OH समूह में भिन्नता के कारण जो दो अलग अलग आइसोमर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त होते हैं तो इस सी वन कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। और कल जो हमने लेक्चर में पढ़ा था एपिमराइजेशन एपिमर जिसमें सी वन कार्बन को छोड़कर के जो असिमेट्रिक कार्बन सी टू सी थ्री सी फोर और सी फाइव कार्बन पर अगर एच और OH की स्थिति में भिन्नता से जो समावयवी प्राप्त होते हैं तो उसको हम एपिमर कहा जाता है। तो यहाँ एनोमेरिक कार्बन जो सी वन कार्बन होता है इस कार्बन पर उपस्थित एच और OH की स्थिति में परिवर्तन होता है इसको हम
अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज कहा जाता है। तो देखिए यहां लिखा है मैंने, फिशर ने सबसे पहले ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर दी थी। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का C1 जो कार्बन होता है वो C1 कार्बन C5 कार्बन के साथ में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस करता है और नाभिक शनि युगात्मक अभिक्रिया द्वारा इस प्रकार से हेमी एसिटेट का निर्माण करता है। इससे एक एनोमेरिक कार्बन उत्पन्न होता है C1 कार्बन, जिस पर OH समूह की स्थिति बदलने से अल्फा ग्लूकोज तथा बीटा ग्लूकोज दो समावेगी बनते। ये जो C1 कार्बन होता है इस पर OH की जो स्थिति में परिवर्तन के कारण दो समावेगी बनेंगे, एक अल्फा डी ग्लूकोज होगा दूसरा बीटा डी ग्लूकोज होता है। अल्फा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 143 डिग्री सेंटीग्रेड तथा बीटा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस प्रकार से जो अभी हमने विशिष्ट गुण पढ़े थे उन विशिष्ट गुणों को ग्लूकोज की ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इस साइक्लिक संरचना के आधार पर उन गुणों की व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट है हावर्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का हावर्ट प्रक्षेपण सूत्र। ये भी एक नंबर का सवाल पूछा जाता है कि ग्लूकोज का हावर्ट प्रक्षेपण सूत्र की संरचना बनाइए। तो ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर थी उस साइक्लिक संरचना के आधार पर हावर्ट सूत्र निर्धारित किया गया और इसकी जो संरचना होती है वो एक विषम चक्रीय यौगिक, आपने पढ़ा होगा पाइरेन CH2 6 मेंबर विद ऑक्सीजन युक्त रिंग होती है जिसे पाइरेन कहा जाता है। तो जो ग्लूकोज होती है उसकी संरचना भी इस विषम चक्रीय यौगिक पाइरेन के समान होने के कारण इसे ग्लूको पाइरेनोज भी कहा जाता है। तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हावर्ट प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। देखिए जो अल्फा डी ग्लूकोज है इस अल्फा डी ग्लूकोज का जो हावर्ट प्रक्षेपण सूत्र होता है इसको हम इस प्रकार से हावर्ट प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर निर्धारित करते हैं, जिस प्रकार से ये जो पाइरेन होता है ठीक उसी प्रकार से इसकी भी संरचना पाइरेन के समान ही होती है, जिसमें C1 कार्बन होता है जिसको एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। अगर OH समूह नीचे की तरफ स्थित है तो इसको हम अल्फा डी ग्लूकोज कहा जाता है। OH, CH2, OH, and H और एक बीच में ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित। ये जो संरचना होती है इसको हम हावर्ट प्रक्षेपण सूत्र कहा जाता है। तो यहां आप देख रहे हैं जो C1 कार्बन है जिसमें OH समूह नीचे की तरफ है, फिर C2 कार्बन में भी OH समूह नीचे की तरफ है, C3 कार्बन है OH समूह ऊपर की तरफ, C4 कार्बन में OH समूह नीचे की तरफ और C5 जो कार्बन है इस C5 कार्बन जो ऑक्सीजन परमाणु के थ्रू C1 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है जिसमें CH2OH समूह ऊपर की तरफ स्थित होता है। इस प्रकार से अगर जो C1 कार्बन है इसमें OH समूह नीचे की तरफ है तो इसको हम अल्फा डी ग्लूकोज कहा जाता है। और बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो बीटा डी ग्लूकोज के अंदर ये जो OH समूह है ये OH समूह यदि
इस प्रकार से ऊपर की तरफ स्थित है यानी एनोमेरिक कार्बन से जुड़ा ये OH समूह ऊपर की तरफ स्थित है, तो इस संरचना को हम बीटा डी ग्लूकोज कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपको छोटा सवाल पूछा जाए कि बीटा डी ग्लूकोज की हावर प्रक्षेपण जो संरचना है ड्रॉ कीजिए, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि C1 जो कार्बन होता है उसमें बीटा डी ग्लूकोज के अंदर ऊपर की तरफ स्थित होता है, बाकी सारे ग्रुप्स सेम हैं। तो आली पर जो C1 कार्बन है इसमें H और OH की स्थिति में परिवर्तन होता है, OH समूह राइट साइड में, तो इसको अल्फा डी ग्लूकोज। आवर्त प्रक्षेपण सूत्र में OH ऊपर की तरफ है तो इसको हम बीटा डी ग्लूकोज कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो साइक्लिक संरचना है इस साइक्लिक संरचना को हावर प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की संरचना पायरेन के समान होने के कारण इसको अल्फा डी ग्लूकोज पायरेनोज और बीटा डी ग्लूको पायरेनोज भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट आगे जो फ्रुक्टोज है इसके साइक्लिक जो संरचना और हावर प्रक्षेपण सूत्र इसके बारे में नेक्स्ट अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।